हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज बहुत खुशी वाला वीडियो, ठीक है, खुशी वाला वीडियो यूँ क्योंकि आज जो है मेरा अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग जो मैंने शुरू किया था उसका एक पेमेंट जो है वो आ चुका है, एक पेमेंट आ चुका है। उसमें कितना है उसमें इतना है कि मेरा 20 रुपये 30 पैसे जो पैसा है, 20 रुपये 30 पैसा, ठीक है, उसका जो एक पेमेंट है वो आ गया। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, आज बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, ये टोटल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में जरूर रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी मतलब थोड़ा धूप ज़्यादा निकल गया। और रही बात गाइस, आज इस वीडियो बस स्पेशल वीडियो है मेरा, जो अमेज़न का जो एफिलिएट मार्केटिंग जो है मैंने शुरू किया था उसका एक जो है एक सेल हुआ था और उसका जो पेमेंट है वो बहुत कम प्राइस का है, काफ़ी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। उसमें लगभग मेरे को अभी 20 रुपये 30 पैसा ऐसा कुछ है। अभी मैं इसमें दिखाऊँगा आपको, ये चीज़ आप शुरू करो और उसमें आपको जिस टारगेट के लिए आप शुरू करो और वो चीज़ आपको मिल जाए, अचीवमेंट हो जाए, ठीक है। भले मतलब छोटा है लेकिन छोटा से ही मतलब धीरे धीरे वो बड़ा होता है। बट बाकी छोटा की बात नहीं है, बट देखो जितना भी सारे आप हर एक चीज़ को जब आप सीखोगे खुद का वो करके तो तभी आपको एक्सपीरियंस होता है वो चीज़। और मैं भी सोचा था कि यार ऐसे होता नहीं है जो भी है, बट एक दिन शाम के टाइम मैं जस्ट वो मेरा जो अमेज़न का एफिलिएट का जो अकाउंट है तो वो मैंने लॉगिन किया ऐसे ही, तो मैं देखा वहाँ पे अर्निंग करके जो ऑप्शन आता है वहाँ पे जाके, जैसे ही मैंने वहाँ पे अर्निंग में क्लिक किया तो जैसे ही पेज ओपन हुआ वहाँ पे टोटल वहाँ पे दिख गया कि 20 रुपये 30 पैसा एक सेल का हुआ था, 165 166 ऐसे कुछ है। उसमें क्लिक्स गया था जो मैंने लिंक उसमें दिया था डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी लोग उसमें चेकआउट किया और वहाँ पे एक ऑर्डर जो 507 रुपये समथिंग का है, आप यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा तो उसका जो है वहाँ पे अपग्रेड हुआ था और 20 रुपये 30 पैसा, ये बहुत बड़ी अर्निंग है, ठीक है। मतलब कल शाम को मैंने जस्ट चेक किया और बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस जो है जो मैंने बार बार बताता हूँ, अगर आप भी शुरू कर रहे हो अमेज़न, कुछ नहीं है अमेज़न, उसमें आपका एक अकाउंट बनाना है और वहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड में करना है अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, ठीक है। और रही बात उसको डेस्कटॉप में करने के बाद आपका नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे, नीचे आपका लास्ट में एकदम जैसे पूरा स्क्रॉल हो जाएगा नीचे, आपको वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे कुछ एक ऑप्शन आएगा, मार्केटिंग करके एफिलिएट मार्केटिंग या अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाके आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन और कुछ स्टेप है उसको फॉलो करना पड़ेगा और कुछ जो है फॉर्म्स टाइप का आएगा लगभग, है वहाँ पे नाम वगैरह वगैरह, आपका एड्रेस और आपका जो क्या बोलूँ आपका जो ईमेल आईडी ये वो फ़ोन नंबर वगैरह। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कभी भी आपका फ़ोन से कोई भी ऑर्डर नहीं करना है, ठीक है। अमेज़न जो लिंक आप दे रहे हो उस लिंक से जाके आपको कोई भी चीज़ जो है वो चीज़ आपको नहीं करना है। और जो भी चीज़ का लिंक आप दे रहे हो वो 7 दिन तक अगर कोई भी चीज़ कोई भी अगर आपका लिंक से भी कोई नहीं ख़रीद रहा है, जैसे बोया का माइक जो है मैंने अभी दिया था उसका भी अगर कोई नहीं ख़रीदता है आपका लिंक से जाके, अगर कोई भी और ख़रीदता है तो आपका भी उसमें कमीशन आएगा, ठीक है, आपका भी कमीशन आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको अगर आपका लिंक से कोई और आपका जैसे लगता है हाँ मेरे को ये ख़रीदना चाहिए लेकिन मैं एफिलिएट जो लिंक है वहीं से ख़रीदूँगा, तो आपका दोस्त वगैरह जो है उसको आप वो लिंक पे जाके आप उसको बता देना, ठीक है। व्हाट्सएप में भी आप कर सकते हो लेकिन ये करना नहीं चाहिए क्योंकि क्या है कभी कभी क्या है जो अकाउंट है ना एफिलिएट मार्केटिंग जो अकाउंट है वो एक्सेस जो होता है वो पूरा डिसमिस कर देता है, अकाउंट को क्लोज कर देता है, अकाउंट को बंद कर देता है, अकाउंट को सीज कर देता है, ठीक है। एक्चुअली 180 दिन के बीच में आपको 3 आइटम ख़रीदना है, ठीक है, उसमें और अलग अलग लिंक पे जाके आपको नहीं शेयर करना चाहिए कोई। फर्स्ट जो मैंने अभी बताया आपका कोई भी लिंक आप व्हाट्सएप में या किसी भी ग्रुप में आप शेयर मत करो, ओनली जब आप उसमें अकाउंट क्रिएट करोगे वहाँ पे जो आप एक सोशल मीडिया करके आएगा वहाँ पे जो जो चीज़ आप इंक्लूड करोगे लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, दैट काइंड ऑफ सोशल मीडिया जो आप लिंक दे रहे हो जस्ट उसी पे ही आप ये लिंक जो प्रोडक्ट का लिंक है आप वहाँ पे जाके दे सकते हो। बाकी अगर उस लिंक को कॉपी करके जो छोटा वाला शॉर्ट लिंक है उसको दे के जैसे आपने सोचा कि नहीं मैं दोस्त को व्हाट्सअप कर देता हूँ और वो कर देगा, लेकिन उसमें भी आपका जो है आपका अकाउंट जो अमेज़न जो एफिलिएट अकाउंट है वो आपका सीज हो सकता है, ठीक है, ये आपका सीज हो सकता है। मैं ये चीज़ बाद में एक वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, बाद में एक वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे मैं आपको डिटेल ये चीज़ बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। और एक चीज़ ये मोटा मोटा चीज़ जो है एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है
कि जैसे आपका कोई दोस्त आपका लिंक से जाकर आपका यूट्यूब वीडियोस देखता है वो, या आपने लिंक भेजा उसको, तो आपका यूट्यूब वीडियो देखने के बाद आपने बोला हाँ ये प्रोडक्ट का लिंक मैंने दिया ये ले लेना, तो वहाँ पे जैसे ही आपका बुक किया और आपको लेना आप कहीं और हो या घर पे हो, कई दोस्त को आपने बोला लेकिन आपका एड्रेस, ठीक है आपका एड्रेस आप दे सकते हो लेकिन क्या है आपका जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आपको कभी भी नहीं देना है। जैसे ऑर्डर कर रहे हो कोई भी चीज़ में जैसे फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ता है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर वो वाला नहीं देना है जो आपका एफिलिएट अकाउंट के साथ लिंक्ड है, वो अकाउंट वाला जो नंबर है फ़ोन नंबर वो आप कभी भी नहीं देना। जैसे ही दोगे तुरंत आपका अकाउंट सीज हो सकता है, ठीक है अमेज़न ये चीज़ बहुत देखता है, ठीक है तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि कभी भी ऐसा चीज़ जो है गलती नहीं करना है। बहुत लोग करते हैं लेकिन क्या है सीज़ हो जाता है अकाउंट, जैसे ही 2-3 पेमेंट आता है तो सीज़ हो जाता है और आपका जैसे उसमें 1000 रुपीज़ आपका जैसे ही हो जाएगा कमीशन एफिलिएट अकाउंट में, जैसे ही 1000 रुपये हो जाएगा तभी आप वहाँ पे अपना बैंक डिटेल जो है बैंक डिटेल आप उसमें एनेबल हो जाता है, ठीक है जैसे यूट्यूब में होता है सबको पता है, ठीक है तो आप उसमें जो है बैंक डिटेल दे सकते हो और 1000 रुपये जैसे ही हो जाएगा आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है मिनिमम 1000 रुपये होना चाहिए तब आप जो उसको एनेबल कर सकते हो और उसको विड्रॉ कर सकते हो। बहुत 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 अच्छा लग रहा है, अमाउंट छोटा हो लेकिन जिस काम के लिए हमने गया था वो काम हमारा सक्सेसफुल हो गया, बस इतना ही है। 2-3 प्रोडक्ट देखता हूँ और कुछ धीरे धीरे, तो आप लोग ये चीज़ शुरू करो। और आज संडे है, संडे को थोड़ा आज देख सकते हो ड्रेस थोड़ा अलग पहना हूँ, टी शर्ट, ठीक है हाथ में वॉच और एक पसूरी सॉन्ग का जो है और रिहर्सल चल रहा था अभी कर ही रहे थे, तो देखते हैं कब तक वो सॉन्ग को जो है मैं अपडेट कर पाता हूँ और 2-3 सॉन्ग उसमें मिक्स करूँगा और उसमें डालूँगा, काफ़ी आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और शॉर्ट नहीं डालूँगा मैं, टोटली जो है मैं उसमें पूरा एक वीडियो डालूँगा लाइक हाँ 3.5-3 मिनट ऐसा एक वीडियो डालूँगा उसमें क्रॉस करके 2-3 गाने को उसमें ऐड करके। चैनल मैंने तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।